संभल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री बदायूं सांसद डॉक्टर संघमित्रा ने विधानसभा गुन्नौर अस्पताल में कोविड-19 के तहत फीता काटकर उद्घाटन किया और वैक्सीनेशन नर्स स्टाफ चिकित्सा अधीक्षक पवन सिंह से बदायूं की सांसद ने कोविड-19 के तहत जानकारी ली। जानकारी में वैक्सीनेशन टीकाकरण को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। मीडिया से वार्ता करते हुए कैमरे पर हमारी टीम ने पूछा कि गुन्नौर से भाजपा सरकार के विधायक अजीत कुमार राजू यादव लगातार राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, अन्य विभागों की शिकायतें कर रहे हैं, मगर किसी शिकायत का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा ने कहा, अगर निस्तारण नहीं हुआ है तो जल्द निस्तारण करवाया जाएगा, जिससे पता चलता है कि अगर सत्ता में विधायक की अधिकारी लोग शिकायत नहीं सुनेगा तो आम जनता का क्या हाल होगा। आखिरकार अब देखना यह होगा कि डॉक्टर संघमित्रा मौर्य सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद कितनी जल्दी विधायक की शिकायतों का निस्तारण करा सकें। संभल से संवाददाता यशवीर सिंह यादव की रिपोर्ट। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कमर कसे हुए हैं और उनका लक्ष्य है कि दिसंबर लास्ट तक इस देश का हर व्यक्ति वैक्सीनेटेड हो जाए, और इसीलिए उन्होंने मुफ्त वैक्सीन की और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ हम सारे जनप्रतिनिधियों को भी क्षेत्र में लगाया कि हम सभी जनप्रतिनिधि जाकर के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें और वैक्सीन लोग लगवाएं ताकि वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि थर्ड वेव आप सबको पता है कि पहले से घोषित है कि थर्ड वेव दूसरी लहर से ज़्यादा खतरनाक है। जैसे मैम, विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ गई, इसको लेकर कुछ तैयारी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, हर चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हमेशा क्षेत्र में रहता है, वो घर में बंद नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर जो विधायक जी हैं अजीत कुमार राजू यादव जो लगातार शिकायतें कर रहे हैं राजस्व विभाग के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कोई शिकायतों का निस्तारण नहीं मिल पा रहा है क्या? शिकायतों का निस्तारण हो रहा होगा निश्चित तौर पे। माननीय विधायक जी को भी यदि व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई शिकायत होगी तो उन्होंने अगर शिकायत की होगी तो उस पर भी शिकायत का निस्तारण हुआ होगा।